channel. Hope you all are doing good. Welcome from the beautiful view and beautiful mountains. So, बच्चे लोग आए हुए हैं देहरादून. जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आप काफ़ी सारे वीडियोस में देख चुके होंगे. सो आज का प्लान ये था, एक्चुअली आज का प्लान नहीं था, कल का प्लान ये था कि वी वर प्लानिंग फॉर नैनीताल, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स ये पॉसिबल नहीं हो पाया. सो नाउ वी आर गोइंग टू माउंटेन्स. सो हम लोग आ चुके हैं पहाड़ों में. अभी मेरे सामने बहुत ब्यूटीफुल पहाड़ दिख रहा है. नेचर, इट्स लाइक धूप, अभी हल्की हल्की धूप हो रही है, बट इट्स क्वाइट प्लेजेंट. गर्मी नहीं लग रही है, बिकॉज ऑब्वियसली पहाड़ों में गर्मी नहीं होती है. पहाड़ों में तो लोग थोड़ा शाम के टाइम स्वेटर पहन के बैठे होते हैं. और मेरे सामने और पीछे अभी इतना प्यारा व्यू दिख रहा है ना, और ऊपर की साइड तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है. माउंटेन्स का तो कोई यार कंपैरिजन ही नहीं है ब्यूटी से. बहुत ज़्यादा अभी ठंडी, मतलब धूप निकल रही है, बट स्टिल ठंडी ठंडी धीमी धीमी हवा चल रही है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है. सो मैं ना अभी ब्लॉग बना रही हूँ, पीछे से एक आंटी देख रही है, इवन सभी लोग देख रहे हैं, तो मैं तो अभी बेशरम हो चुकी हूँ. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वीडियो बनाते हुए लोग देखते हैं. आई डोंट फील ऑकवर्ड, आई एंजॉय माई सेल्फ वेरी मच. और वो रहे हमारे बच्चे वीडियोग्राफी करते हुए, और मैं यहाँ पे ब्लॉग बना. एंड वी आर हेयर इन भाटा फॉल्स. अभी सूरज एकदम मेरे सिर पे आ रहा है. सो अभी हम लोग भाटा फॉल्स में हैं. मैंने हम लोग मसूरी से ऊपर थोड़ा सा जा रहे हैं, बिकॉज मसूरी हम लोग ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं. और अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. तो वो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज़ थे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तो नहीं बने थे, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा लर्निंग फेज चल रहा था. अभी भी लर्निंग फेज था ऑब्वियसली, ट्राइंग टू गिव इंफॉर्मेशन एंड मेक इंटरेस्टिंग एज मच एज आई कैन. एंड राइट नाउ हम लोग जैसे कि भाटा फॉल में है, भाटा फॉल में रोप वे जाता है, रोप वे नीचे जाता है जहाँ पे कि फॉल होता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. सो ये मसूरी आते वक्त दो स्पॉट पड़ते हैं, एक मैगी पॉइंट पड़ता है और एक भाटा फॉल पड़ता है. तो बहुत दोनों में से किसी में भी आप अगर रुक सकते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. बहुत ब्यूटीफुल जगह है अगर आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं. आई विश कि बारिश हो रही होती, अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम होता तो और ज़्यादा मत. तो वो जगह है, ओके ये रूप स्टार्ट होती है यहाँ से जाती है नीचे वहाँ तक, और वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह अवेलेबल है. एंड ये व्यू है पूरा. अभी तो वो ऊपर जाएंगे ना, जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, गाइस हेवन, हेवन ऑन अर्थ, माउंटेन तो यार ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन. तो सो थोड़े से शॉर्ट्स बनाते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, जल्दी जल्दी. हाँ तो पाकि सही कर दे रहा क्या फिर? हाँ ओके बाय. और आंधी पाक ना पाकि सही कर रही है. हाँ हाँ एकेडी पाक पाई तू? पटियाला शाही बट्टा वाली. बट्टा वाली. चलो चलिए. चलो चलो चलो. मेरी सिस्टर बोलती है रुक रुक के चलते हैं. रुक रुक के चलेंगे तो शाम तक भी जहाँ घूमने जाना है वहाँ पे नहीं जा पाएंगे. अरे इन लोगों को थोड़ा वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है ना, लेट्स ट्राई. टाइम टू से बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट व्यू. सो अब हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं. बहुत सारा ट्रैफिक का सामना करते हुए मेरे भाई की गाड़ी क्लच और गियर ने जवाब दे दिया. जवाब दे दिया होता अभी तक ऊपर नहीं होती.
स्मेल आ रही है मैंने थोड़े तक, एंड ये पतली पतली गलियां निकलती है जहाँ पे हम लोगों को जाना है। ओके और ये ऐसे रोड चलते हुए चढ़ते हुए ऊपर एकदम स्लांटिंग में, और एक आगे वाली गाड़ी ने मार दी है ब्रेक। सिर्फ यही फील हो रहा है, इट्स लाइक इन केस अगर यहाँ से दो गाड़ियां आ गई कैसे क्रॉस हो। गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस से यू नो फील हो जाता है। ग्रीन ग्रीन ऐसे पतले से रास्तों में गाड़ी चलाना, ओ गॉड। पेड़ों के बीच में कैन यू सी दिस, वाओ वाओ। पेड़ों के बीच में से चलते हुए हम लोग जा रहे हैं, एंड मुझे रिमेम्बर आ गया अपना लास्ट टाइम when me, Tanuj and Angel came here for, हम लोग कहाँ गए थे, कहाँ गए थे हम लोग, मेरे दिमाग से निकल गया, जो मैं याद करती हूँ। या हाँ, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जब गाड़ी लेकर आए थे, फोर व्हीलर नॉट टू व्हीलर, तो पार्किंग में पार्क किया और रिक्शा किया, रिक्शा करके गए भाई। जो मज़ा आया था ना बाय गॉड, नेचर का इन्जॉय करने में, वो बहुत अमेजिंग था। एंड सेम एग्जैक्टली अभी भी वही वाली फीलिंग आ रही है थोड़ा सा। हाँ मुझे चढ़ना पड़ रहा है, तो आई फील लाइक हाफ न्यू बिकॉज आदत नहीं है चलने की बहुत ज़्यादा, और मेरी बेचारी बहन के तो बुरे ही हाल हो रखे हैं। बट सरीन सरीन पहुँच चुके हैं, दिख रहा है मेरे को वहाँ पे पार्किंग, काफ़ी दूर है उधर तक, ऊपर तक जाना है हम लोगों को। बट सी द व्यू, लेट मी शो यू गाइस, ब्यूटीफुल व्यू इन फ्रंट ऑफ मी, जन्नत। धूप हो रही है, धूप नहीं लग रही है, ठंडी हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, आप देख सकते होंगे। मैं पैदल चल के जा रही हूँ और इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है, ये गाड़ी में बैठ के एक्सपीरियंस नहीं आ सकता फॉर श्योर। कर रही हूँ एंड बिकॉज मेरे पास बहुत सारा स्टफ है आप लोगों को दिखाने के लिए, एंड मैं सेम वीडियो में दिखाऊंगी तो वो वीडियो मोस्ट प्रोबेबली 20-30 मिनट की हो जाएगी, विच आई रियली डोंट वांट। तो मैं कंटिन्यूएशन में वीडियोस डालूंगी, स्टे ट्यून एंड प्लीज सारे वीडियोस को लाइक करिए एंड गिव योर लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।